अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुजीब और आप देख रहे हैं मुजीब बर्ड्स ब्रीडिंग। इस वीडियो में इस शेड बनने का कंप्लीट प्रोसेस आपके साथ में शेयर करूंगा। मैंने एक एक क्लिप को ज्वाइन करके काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाई है, तो आपने फुल सपोर्ट दिखानी है और आपने पूरी वीडियो को एंजॉय करना है। अभी चलते हैं वीडियो की तरफ, किस किस चीज़ को हमने कैसे बनवाया और किस तरह से कम्प्लीट शेड तैयार हुआ। मास्टर केज का कम्प्लीट ब्लॉग है, आपने पूरा ज़रूर देखना है। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो दोस्तों, सबसे पहले जो नीचे बेस है जिसके ऊपर पूरा शेड हमारा खड़ा होगा, उसकी हम बनाने की तैयारी करते हैं। नंबर वन पर ये ईंटें लगाई जाती हैं, साथ में पानी निकालने का प्रॉपर सिस्टम होता है, तो इन सब के ऊपर सीमेंट और ईंटों का इस्तेमाल होता है ताकि प्रॉपरली हमारी बेस तैयार हो जाए। ये सब काम आपके सामने हो रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर हमारी फर्स्ट लेयर कम्प्लीट हो जाती है, जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी कि इसको कंप्लीट किया जाता है। और यहाँ पर ये पूरी शेप में हमारी एक लेयर रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम इसके ऊपर एक और लेयर भी बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके प्लसर का सामान रेडी हो रहा है। तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले रफली सीमेंट लगाई जाती है ताकि हमारा प्लसर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसके बाद प्लसर का काम स्टार्ट होगा। और दोस्तों, इसके बाद प्लस्तर करने का काम स्टार्ट हो जाता है। नंबर वन पर रफली सीमेंट लगाई जाती है, इसके बाद ये प्लस्तर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपके सामने है। प्रॉपरली इसको प्लस्तर किया जाता है ताकि ये प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग हो जाए और हमारा शेड लॉन्ग टर्म चले। तो आप इस चीज़ को इंजॉय करें, इसके बाद आगे का प्रोसेस शेयर करता हूँ। और इस तरह से हमारी ये नीचे की बेस तैयार हो जाती है। इसके बाद जाते हैं हम जाली खरीदने के लिए। जाली हमने इस्तेमाल की, ये मोटी जाली है जो कि तार से स्पेशली बनी हुई है, इससे हमारे परिंदे बहुत ही महफूज रहेंगे। तो ये जाली लेकर हम आ जाते हैं। इसके बाद मेन काम स्टार्ट होता है इसके स्ट्रक्चर के बनने का, तो अभी आपके साथ मैं वो भी शेयर कर देता हूँ। लेकिन इंस्टा की आईडी है मुजीब बर्ड्स ब्रीडिंग के नाम से, या आप यूज़र नेम मुजीबुररहमान 786 भी सर्च कर सकते हैं। अगर किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछना है बर्ड्स के मुतालिक, तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मेन काम स्टार्ट हो जाता है, जो कि इन 20 फीट की लेंथ को छोटे पीसेस में काटने का होता है। इनको काट के हम छत पर ले आते हैं और जो हमारे शेड की लेफ्ट साइड है उसको बनाना हम स्टार्ट करवा देते हैं। नंबर वन पर इसका स्ट्रक्चर बना के यहाँ पर ये वेल्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारी लेफ्ट साइड की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। इसके अंदर स्पोर्ट लगाने के बाद हमारी लेफ्ट साइड अपनी शेप में आना स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हमारी लेफ्ट साइड की मैन्युफैक्चरिंग जारी है, इसके दरमियान ये स्पोर्ट लगाई जा रही है ताकि जाली प्रॉपरली इसके ऊपर फिट हो और हमारा जो शेड है ये काफ़ी मजबूत बने। तो आप इसकी ये फिटिंग चेक करें, इसके बाद आगे का प्रोसेस आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं ये बन जाती है, सिर्फ इसका भी फ्रेम बनवाया है, जाली बाद में लगाएंगे। लेकिन यहाँ काम स्टार्ट हो जाता है फ्रंट का, यानी कि जो हमारे शेड का फ्रंट साइज है इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो आप अपने सामने देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा काम पहुंच जाता है फ्रंट के दरवाजे लगाने के ऊपर, जिसका साइज है 4 फीट बाय 6 फीट। ये दरवाजा आपके सामने बन रहा है। अभी इसके ऊपर जाली नहीं लग रही, सिर्फ फ्रेम बन रहा है। जाली का प्रोसेस आगे होगा, तो वो आपने लाजमी देखना है। तो यहाँ पर फ्रंट ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है, बस दरमियान वाली स्पोर्टें लगाना रह गई है, जो की आप आगे देखेंगे। तो आप इसको इंजॉय करें, इसके बाद आगे का प्रोसेस आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर दरमियान में लगाने वाली स्पोर्ट के पाइप कट चुके हैं, अभी यहाँ पे इनकी वेल्डिंग होगी ताकि ऊपर जो जाली लगनी है वो भी स्ट्रॉन्ग लगे और हमारा शेड एक प्रॉपर शेप में आ जाए।
यहाँ पे हमारा फ्रंट भी तकरीबन तैयार हो जाता है। अभी इन दोनों साइडों की जाली लगाना बाकी है, वो हम लंच ब्रेक के बाद लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर फिनिशिंग का काम कंप्लीट हो जाता है। तो हमारी लेबर यहाँ पर रेस्ट लेती है। इतनी मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ। मेरे पास अवेलेबल है गर्मियों का तोहफा इलेक्ट्रो प्लस एंड इलेक्ट्रो ग्रो। ये बेल्जियम की इलेक्ट्रोलाइट है जो की आपको बहुत ही कम कीमत में मिल सकते हैं क्योंकि ये छोटी पैकिंग में है, लेकिन ये ओरिजिनल अपनी कंपनी सील के साथ आते हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो रिजल्ट इंशाल्लाह गारंटी वाला होगा। इसके इस्तेमाल से आपके बर्ड का जिस्म ठंडा रहेगा, ना ही आपका परिंदा हांपेगा, ना ही उसे हीट स्ट्रोक होगा, और गर्मी के मौसम में अचानक आपके बर्ड एक्सपायर नहीं होंगे क्योंकि इलेक्ट्रो प्लस आपके परिंदे की नमकियाती कमी को पूरा करता है क्योंकि इसके अंदर साल्ट प्लस विटामिन सी होता है, जबकि इलेक्ट्रो ग्रो आपके बर्ड्स के वजूद को ठंडा रखता है, उनकी मिनरल अमाइनो एसिड और विटामिन की कमी को पूरा करता है। तो इनका कॉम्बिनेशन आपके बर्ड्स के लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। अगर आपने ऑर्डर करना है तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में इसका तरीका इस्तेमाल और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं डिटेल के साथ मैं शेयर करूंगा। और दोस्तों, कॉम्बो परचेज करने पर यानी कि दोनों लेने पर डिस्काउंट चल रहा है, तो आप एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं। और डिटेल वीडियो अगर आपने देखनी है तो आई बटन में आपको लिंक शो हो रहा है अगर आप ये वीडियो एक दो दिन के बाद देख रहे हैं। तो सब काम या फैंसर की तरह आप भी ये इलेक्ट्रोलाइट अपने बर्ड्स को लाजमी देंगे, लेकिन यहाँ पे हम अपने शेड के फ्रंट के ऊपर जाली बिछा देते हैं। जाली आप देख सकते हैं जो कि हम स्टार्ट में लाए थे, वही जाली है। इसके बाद इसको इसके साथ वेल्ड करने का काम स्टार्ट होगा, तो अभी आपको मैं वो दिखा देता हूँ। तो पहले फ्रेम के साथ जाली को वेल्ड किया जाता है ताकि जाली प्रॉपरली इसके साथ अटैच हो जाए। तो आप ये सारा प्रोसेस देखें। इसके बाद लोहे की जो पट्टी होती है उसके ऊपर वो हम लगाएंगे। वो एक बहुत ही यूनिक तरीके से लगाइए, तो उसको आपने लाजमी देखना है। तो जाली को हल्का हल्का वेल्ड करने के बाद उसके ऊपर की लोहे की पट्टी लगा के ऊपर नट लगाए जाते हैं क्योंकि इसके ऊपर वेल्डिंग करना मुश्किल था। जाली हमने मोटी लगाई है इसलिए उसके ऊपर नट लगाने हमने स्टार्ट कर दिए हैं। अब ये पूरी जाली के ऊपर ये नट लगेंगे जिससे ये हमारा फ्रेम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और जाली इजिली इसके साथ अटैच हो जाएगी। आप इस चीज़ को इंजॉय करें। इसके बाद लेफ्ट साइड कैसे तैयार हुई वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जाली होती है उसको हम काट देते हैं ताकि दूसरी साइड पे लग सके और दरमियान में जो हमने बाकी पट्टियाँ लगानी हो इजीली लग सकें। तो यहाँ पर ये जाली कट हो जाती है, फिर हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। तो सेकेंड डे हमारी जाली के ऊपर जितनी भी पट्टियाँ बाकी होती हैं फ्रंट साइड की, उनको हम लगवा लेते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रंट साइड हमारी ऑलमोस्ट कम्प्लीट है। इसके ऊपर आपको हल्की हल्की रस्टिंग नज़र आ रही होगी। अभी पेंटिंग का प्रोसेस होना है तो उसको भी आप देखिएगा, तो इंशाल्लाह फाइनल रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार मिलेंगे। यहाँ पर जी इसकी फ्रंट साइड तैयार हो जाती है जिसको हम यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। इसने फिट भी यही होना था, तो ये आप देख ले माशाल्लाह इसकी 15 फुट लेंथ है, लेकिन ये काफी अच्छे तरीके से बन चुकी है। बस अभी इसको यहाँ पे फिट करना है, लेकिन उससे पहले हम लेफ्ट साइड को तैयार करेंगे, उसके बाद छत को लगाएंगे। तो आपने फुल वीडियो को देख के जाना है और अपने सर्कल में इसको शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो को देख पाए। तो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड की जाली तकरीबन लग चुकी है। मैं आपको डिटेल से नहीं दिखा रहा क्योंकि पहले आप देख चुके हैं, आप वैसे बोर होंगे। यहाँ पर मैं वीडियो की स्पीड को बढ़ा देता हूँ, आप ये लेफ्ट साइड का पूरा प्रोसेस देखें। उसके बाद हम इन दोनों साइडों को फिट करके इसके ऊपर छत लगा देंगे। तो
यहाँ पर दोनों साइडें कंप्लीटली तैयार हो चुकी हैं जो कि आपके सामने है। अभी मेन काम स्टार्ट होगा इनकी फिटिंग का। यहाँ पर मैं वीडियो की स्पीड को काफी तेज कर दूंगा ताकि आप कम वक्त में पूरा प्रोसेस देख लें। यहाँ पर फ्रेम को बेस के ऊपर लगा के प्रॉपरली वेल्ड किया जाता है ताकि ये मजबूत हो जाए और जो छत बननी है इसके ऊपर इजीली फिट हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि रावल बोल्ट से बेस के ऊपर इसको हमने अटैच कर दिया है और फिर ये वेल्डिंग का प्रोसेस हुआ है तो ये काफी मजबूती से जुड़ चुका है। इसके बाद आप लेफ्ट साइड का प्रोसेस देखें, उसके बाद छत कैसे बनी और कैसे हमने फिट किया वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों साइडें फिट हो जाती हैं। इसके बाद काम शुरू हो जाता है इसकी छत का, जिसको इसके अंदर साइज लेके बनाया जाता है ताकि ये सही तरह से फिट हो और कहीं से लीकेज ना हो। यहाँ पर ये पाइप काट लिए जाते हैं और नेक्स्ट डे हम इस छत को बाहर निकाल के प्रॉपरली इसके ऊपर अटैचमेंट कर देते हैं। तो ये लोहे की पट्टियां इसके ऊपर इसलिए लगाई जा रही हैं ताकि जो थर्मोपोल शीट है इसके अंदर अच्छी तरीके से फिट हो। इसके नीचे जाली लगेगी, दरमियान में थर्मोपोल शीट आएगी, उसके ऊपर लोहे की चादर लगाई जाएंगी तो प्रॉपर हमारी एक छत तैयार हो जाएगी जिससे ना ही गर्मी नीचे आएगी ना ही सर्दी नीचे आएगी और हमारे बर्ड अच्छे तरीके से ब्रीड करते रहेंगे। तो आप ये प्रोसेस देखें, इसके बाद जाली लगाना आपको मैं दिखाता हूँ और उसके बाद इस छत को हम शेड के ऊपर फिक्स करेंगे। तो दोस्तों ये जाली आपके सामने लग रही है, इस पर थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखा देता हूँ। लेकिन आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप 1000 लाइक और 500 शेयर कंप्लीट कर देंगे तो इस शेड पर कितना खर्चा आया एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको मैं शेयर कर दूंगा। और नए आने वाले दोस्त सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे ब्लैक कलर के बटन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल के ऊपर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर छत के ऊपर जाली सारी लग चुकी है जो कि आपके सामने है और जो लोहे की पट्टी है वो भी हमने ऊपर लगा दी है। अभी ये छत के ऊपर फिक्स होगा, इसके बाद इसके अंदर थर्मोपोल शीट और आगे का प्रोसेस होगा। दोस्तों यहाँ पर छत तैयार हो जाती है और अपने शेड के ऊपर हम इसको फिक्स कर लेते हैं जो कि आपके सामने है। अभी ये छत इसके ऊपर वेल्डिंग होगी, आगे का प्रोसेस होगा वो आपने गौर से देखना है। यहाँ पर क्या होता है कि हम छत को इसके अंदर फिक्स करते हैं और यहाँ पर ये छत फिक्स हो चुकी है। अभी इसकी प्रॉपर वेल्डिंग होगी, उसके बाद इसके अंदर थर्मोपोल शीट फिट होगी तो उसको भी आपने देखना है। तो यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी छत इसके ऊपर फिक्स हो चुकी है। अभी हल्की हल्की इसकी वेल्डिंग हो रही है, ऊपर से ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर लाइक और कमेंट लाजमी बनता है, आपने मैक्सिमम अमाउंट में कमेंट करने हैं। तो यहाँ पर आपको मैं स्पीड फास्ट करके पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। इसके बाद थर्मोपोल शीट फिक्स होगी तो उसको भी आपने देखना है और फाइनल रिजल्ट आपने देख के जाने हैं। तो
यहाँ पर ये थर्मोपोल शीट फिक्स होना शुरू हो गई है और ये अब्दुल्ला चाचू ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि जब तक बंदा खुद साथ काम ना करवाए काम उतना जल्दी खत्म नहीं होता। तो अभी काम स्पीडो स्पीड खत्म होगा, ये प्रोसेस आप चेक करें, तो फर्दर डिटेल इसके बाद आपको मैं देता हूँ। तो यहाँ पर थर्मोपोल की फिटिंग का काम चल रहा है, इसको प्रॉपर साइज में कटिंग करके हम इसके अंदर लगा रहे हैं ताकि पानी की लीकेज का मसला भी ना आए। बहरहाल उसका लेदर सिस्टम भी होगा, लेकिन इससे हीट नीचे नहीं आएगी, सर्दियों में ठंड नीचे नहीं आएगी और हमारे परिंदे एक्टिव और हेल्दी रहेंगे। अगर आप भी कभी अपने बर्ड्स के लिए कलोनी या शेड बनाते हैं तो थर्मोपोल शीट लाजमी ऐड करें। ये 1.5 इंच की शीट होती है, अगर आपने 2 इंच की लेनी है 1 इंच की लेनी है, लेकिन कुछ ना कुछ लाजमी लगाएं ताकि आपके बर्ड्स को फ़ायदा पहुंचे। तो अभी ये लग जाए, इसके बाद ऊपर लोहे की चादरें आएंगी तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे थर्मोपोल की फिटिंग ऑलमोस्ट डन है। ये 4x4 फुट के हमने पीस लगाए हैं, जहाँ पे हल्का पुल्का 1-2 सेंटीमीटर का गैप बच रहा था वहाँ पे ये पीस कट करके हमने लगा दिए, तो ये काफी मजबूती से एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद हम लगाते हैं इसके ऊपर लोहे की चादरें। तो ये लोहे की चादरें हैं, इनकी हमने पहले कटिंग कर ली थी अपने साइज के मुताबिक और बाद में हम इनको छत पर ले आए थे। अब ये थर्मोपोल का काम जैसे ही खत्म होता है चादरें लगाने का प्रोसेस आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अभी ये लोहे की चादरें हमने शेड की छत पे डाल दी हैं और अभी अदनान आके नट लगा देगा सबको ताकि ये सही तरह से फिक्स हो जाएं और किसी किस्म का इशू ना आए। इनकी लेंथ तकरीबन हमने साइडों से 1-1 फीट बढ़ा के रखी है ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए। और अभी ये सब ऊपर डाल के नट लगाते हैं, तो वो प्रोसेस आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जी हमारी छत ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अभी ये थोड़े से नट लग रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके दरवाजे किस तरह से रेडी किए और किस तरह से हमने दरवाजे लगाए। आगे अंदर एग्जॉस्ट फैन अभी लगना है, पेंट होना है और आपने फाइनल देख के जाना है कि कैसा हमारा शेड तैयार हुआ है। और आपको ये बताऊंगा कि इनमें कौन से हमने बर्ड्स रखने हैं। तो अभी आप दरवाजे लगने का प्रोसेस देखें, इसके बाद एग्जॉस्ट फैन और पेंटिंग का प्रोसेस आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दरवाजे भी फुली रेडी हो जाते हैं, इसके बाद इनको वेल्ड किया जाता है शेड के साथ। तो ये आप देख सकते हैं कि कब्जे लगा के इनकी वेल्डिंग चल रही है, तो ये प्रोसेस भी आपके सामने कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे का प्रोसेस आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से दोनों दरवाजे भी लग चुके हैं, शेड का स्ट्रक्चर भी बन चुका है, अभी थोड़ा फिनिशिंग का काम रहता है। इसके बाद एग्जॉस्ट फैन लगाने हैं वेंटिलेशन के लिए, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पर आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि इस तरह की बर्ड्स की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको डेली बुनियाद पर मिलती रहे। तो यहाँ पर ये जो एग्जॉस्ट फैन देख रहे हैं इसके ऊपर जाली लगी हुई है, तो इस प्रोसेस से हमने इसके ऊपर जाली लगाई थी क्योंकि जाली का लगाना बहुत ज़रूरी था, वरना खुदा ना खास्ता अगर कोई परिंदा टकरा जाए तो बहुत नुकसान हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि हमने इसके ऊपर जाली लगा दी है।
ये सब काम कंप्लीट हो जाते हैं और नेक्स्ट डे हम इसके ऊपर पेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरे शर्ट पर ऑलमोस्ट पेंट हो चुका है, बाहर का पेंट रहता है वो भी हम कर लेते हैं। इसके बाद आपको मैं फाइनल व्यू दिखाता हूँ कि शर्ट अंदर से कैसा लग रहा है, बाहर से कैसा लग रहा है और आपको पसंद आया कि नहीं आया आपने कमेंट्स में लाजमी शेयर करना है। ये है शर्ट के अंदर का लुक और ये है शर्ट के बाहर का लुक। उम्मीद करता हूँ कि दोनों आपको पसंद आए होंगे। अगर कुछ एडिशन करनी है तो कमेंट्स में लाजमी शेयर करें और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसको आपने लाजमी देखना है। तो अभी आप शर्ट का छोटा सा क्लिप देख लें, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। ये था हमारे मास्टर केज का कंप्लीट ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको पसंद किया होगा और जिसने वीडियो को पूरा देखा है यहाँ तक जुड़ा रहा उसका बहुत बहुत शुक्रिया और जो हमारी टीम है जिसने इसके ऊपर काफ़ी मेहनत की उन भाइयों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में इसी शर्ट की अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। तो आपने कनेक्टेड रहना है ताकि आगे जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं वो आपको मिल पाएँ। इसके लिए सब्सक्राइबर बन जाएँ हमारे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और वीडियोज़ आपको डेली रूटीन पर मिलती रहेंगी। और दोस्तों आप सब्सक्राइब करें ना करें लेकिन अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखा करें। तो मुलाकात होती है किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।